हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जो अभी लेटेस्ट मेजर्स लेके आई हैं, स्पेशली अगर हम देखें कि इंडियन इकोनॉमी जो अभी एक काइंड ऑफ रिसेशन फेज से जा रही है, जहाँ पे डिमांड भी नहीं है और कोई भी जॉब की प्रोस्पेक्ट्स भी नहीं है। तो गवर्नमेंट अभी राइट फ्रॉम द COVID-19 जब इम्पैक्ट हुआ, और स्पेशली ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में स्पेशली हम बात करें, तो इसके बाद से बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की अपने अपने कंट्रीज़ के लिए ले रखा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें हम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए जहाँ पे एक डिमांड को मैच करने के लिए या फिर डिमांड जनरेट करने के लिए एक यू नो एक कुछ मेजर्स ऐसे गवर्नमेंट ने लिए हैं जो कि एक एक प्लेटफॉर्म पे जो ग्रोथ की इंजन है वो चल सकें। तो स्पेशली इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट जो अभी कुछ मेजर्स लेके आए हैं, स्पेशली अगर हम देखें कंज्यूमर स्पेंडिंग को फिर से रिवाइव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप कुछ भी बोल सकें, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रहा है डिफरेंट मनीज ताकि लोगों के पास हाथ में पैसे रहें और उस पैसे को पीपल्स उसको यूज़ कर सकें कुछ सामान खरीदने के लिए, जिससे कि मार्केट में डिमांड फिर से इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या गवर्नमेंट ऐसा मेजर्स लेके आई है, किसके लिए वो मेजर्स हैं, क्या उसके चैलेंजेज हैं और क्या क्या कंसर्न्स उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो प्लेटफॉर्म है नॉलेज सोर्स, आप हमें पा सकते हैं नॉलेज एट सोर्स सर्च करके टेलीग्राम चैनल में, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग UPSC प्रिपरेशन। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल आप अपडेट लॉग इन करके आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए, जो कि आपके प्रिपरेशन UPSC प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करूँ इस पैकेज के बारे में। तो ये जो पैकेज है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कंजम्पशन है इंडियन इकोनॉमी उसको इंक्रीज करने के बारे में है, ये जो पैकेज है वो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज करना चाहती है पीपल्स के थ्रू, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है पैसे जो कि 10,000 है। वो किसको पैसे प्रोवाइड करानी है करा रही है, आपको ये याद रखना है, इम्प्लॉइज गवर्नमेंट इम्प्लॉइज को पैसे प्रोवाइड करा जा रहे हैं। एक तरह का क्रेडिट है जहाँ पे वो रुपए कार्ड होगा, जहाँ पे 10,000 एक बोनस आप इसे मान सकते हैं, ये बोनस हर गवर्नमेंट इम्प्लॉइज को प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि ये जो पैसे हैं वो उसको खर्च किया जा सके गवर्नमेंट इम्प्लॉइज के द्वारा। और स्पेशली हम अगर बात करें, ये अभी फेस्टिव सीजन जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, तो इसके मद्देनजर गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लेके आई है, जहाँ पे ये जो पैकेज स्पेशली है जो मैं बात कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट इम्प्लॉइज के लिए है। ठीक है, तो अभी आपके लिए मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट इम्प्लॉइज बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक स्टिमुलस प्रोवाइड करा रही है, जहाँ पे कि डिमांड को एक फिर से रिवाइव करके उसको ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को फिर से इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, सो अभी पॉसिबल बेनिफिट्स अगर हम बात करेंगे, इस बेनिफिट्स का क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो बेनिफिट्स हैं, तो स्कीम्स, ये जो स्कीम है वो एक तरह से डिमांड इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट मार्केट में, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे, और जब लोगों के पास पैसे होंगे तो वो पैसे खर्च किए जा सकेंगे लोगों के द्वारा अपने ज़रूरत के सामानों को खरीदने के लिए, जिससे कि क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ इंक्रीज होगा, और जिससे जब ग्रोथ इंक्रीज होगा और जब डिमांड इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करा सकेगी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स रिक्वायरमेंट्स, ये सब फुलफिल हो सकेंगे। ठीक है, सो जो स्टिमुलस है वो इन्हेंस करेगा परचेजिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों की परचेजिंग पावर को इंक्रीज कराने की कोशिश कर रही है इस स्कीम के थ्रू, ताकि लोगों के हाथ में पैसे रहें और इस पैसे को वो इंक्रीज करे यूज करके एक डिमांड को वो फिर से इम्प्रूव कर सकें, और जो एक कैश जो अभी कैश स्टार्व्ड एरियाज हैं जहां पे वहां पे भी इस डिमांड को पहुंचाया जा सके। तो ये मेजर पॉसिबल बेनिफिट्स हो जाएंगे इस फिजिकल स्टिमुलस से। ठीक है, तो अगर हम बात करूं कि क्या कंसर्न्स हैं इस पैकेज के, तो सबसे पहले तो कंसर्न ये है कि जो डिमांड जो अभी जो होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, वो डिमांड जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम है, जो कि अगर गवर्नमेंट से ये एक इन्फ्यूज़ कराने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके की या कितने जो आउटपुट होने चाहिए, जो इन्फ्यूज़न होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, उससे जो कि गवर्नमेंट जो एक्सपेक्टेशन और जो रियल डिमांड रियल इन्फ्यूज़न ऑफ मनी है उसमें बहुत ही एक वाइड
इस मैच है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कंसर्न है। सो दूसरी चीज़ है कि इंडिया जो है बहुत एक टाइट स्पेस वाटर कैनन सिचुएशन में है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आ रही है। और जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आ रही है, आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली ड्यूरिंग पेंडेमिक लास्ट 2-3 मंथ्स में गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन मोरिटोरियम जो थे तो उसको डिले कर दिया गया था अराउंड 6 मंथ्स और 7 मंथ्स ऐसे। तो गवर्नमेंट के पास जो भी लोन मोरिटोरियम है वो भी मतलब लोन ऐसे गवर्नमेंट के पास, क्योंकि बिजनेस की बहुत ही प्रॉब्लम है, जिससे कि लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मार्केट में नहीं है। और जिसके चलते हुए ये अभी देख रहे हैं कि जिससे क्या हो रहा है कि नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट बैंकिंग सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो भी इस क्राइसिस में बहुत ही बुरी तरह से पिट चुके हैं। तो ये एक सिचुएशन है, और इसमें गवर्नमेंट अगर ये इस तरह की स्टिमुलस लेके आती है, एक बहुत ही वे फॉरवर्ड थिंकिंग है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो टेंडेंसी है स्पेंडिंग की, जो नेचुरल टेंडेंसी है ज़्यादा पैसे खर्च करने की, वो एक नेचुरल होता है स्पेशली ह्यूमन बींग में, और स्पेशली इंडिया की कल्चर में फेस्टिव सीजन में। सो ये जो टेंडेंसी है, तो इससे गवर्नमेंट अगर सोच रही है कि इससे इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, या फिर डिमांड जो भी इंक्रीज होगी उससे कि ग्रोथ ऑफ जो इंडियन इकोनॉमी है उसको फिर से इम्प्रूव किया जा सकेगा, तो ये सिर्फ ओनली अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए कि डिमांड जो है वो जॉब जो है वो मार्केट में इंक्रीज करने की ज़रूरत है। लेकिन ये इंक्रीज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये साइक्लिक सिचुएशन होता है, जहाँ पे आप डिमांड अगर इंक्रीज नहीं होगा तो ये फिर जॉब प्रोस्पेक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कुछ हद तक या बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी चीज़ों को अभी लेके आने पड़ेंगे स्कीम्स, जिसके अंदर कि सबसे पहले गवर्नमेंट बर्डन झेल ले, जहाँ पे कि जॉब प्रोस्पेक्ट्स दिखाई दे, और जब धीरे धीरे जॉब प्रोस्पेक्ट दिखाई देंगी तो धीरे धीरे जो अपना बर्डन है गवर्नमेंट कम कर सकती है, और इससे एक तरह से हम देखेंगे कि क्या डिमांड, कितने मिसमैचेज हैं। ये देखिए, एक्सपेक्टेड कॉस्ट वर्सेस एक्सपेक्टेड डिमांड इन्फ्यूजन, मैं आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप लाइट ब्लू में देख रहे हैं ये एक्सपेक्टेड डिमांड है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड डिमांड इन्फ्यूजन गवर्नमेंट के थ्रू इतना होना चाहिए था, और ये रियल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे टैक्स कंसेशन जो है वो ट्रैवल स्पेंडिंग में, ये डिमांड इतना है रियल में होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल है रियल डिमांड है वो इतना है, ठीक है। सो अब फिर आप देखें फेस्टिवल एडवांसमेंट में, अभी द गवर्नमेंट जो है वो इतना एक्सपेक्टेशन है, बट इतना अभी उसमें गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट जो देखें तो इसमें ऑलमोस्ट इक्वल है, जहाँ पे डिमांड जो है इन्फ्यूजन का लिक्विडिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो भी इक्वल है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट में बात करें तो यहाँ पे भी इक्वल है डिमांड और रियल वैल्यू। और लेकिन अगर टोटल गवर्नमेंट का इम्पैक्ट देखें यहाँ पे, तो आप देख ले सकते हैं 1 ट्रिलियन में ये अराउंड 7 ट्रिलियन के अराउंड यहाँ पे डिमांड है, और गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है वो अराउंड 4 ट्रिलियन के। सो बहुत ही ज़्यादा मिसमैच है, और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट को बहुत ही वर्क करना पड़ेगा। जो इंडियन इकोनॉमी अभी जिस हालत से गुजर रही है, जहाँ पे उसको ग्रोथ की जो ट्रैजेक्टरी है वापस उसी साइकिल पे लेके आना है, तो गवर्नमेंट को बहुत ही वर्क करना पड़ेगा। सो आने वाले समय में ऐसा आशा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऐसे और सारे स्टिमुलस लेके आएंगी, जो कि बहुत ही रिक्वायरमेंट है अभी इस सिचुएशन में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, और आप हमें लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया knowledge@source@gmail.com पे आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस, आपके पास जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं हमें मेल कीजिए, हम उसको आपको आंसर्स को या फिर आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको हल करने की कोशिश करेंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो एज ऑलवेज थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ़ यू।